जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार भगवान बुद्ध के बारे में बात करूंगा, उनके विचारों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म हमेशा लड़ते रहे हैं। छुटपुट मतभेद तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सत्य है कि हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भगवान गौतम बुद्ध को स्वीकार किया गया है। आज यह बताने जा रहा हूँ कि भगवान बुद्ध ब्राह्मणों को लेकर क्या सोचते थे, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को यानी हिमालयी लोग को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और मेरा समसामयिक मुद्दों पर एक और चैनल है सत्यमेव जयते यानी STV, उसको भी देखिएगा। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। भगवान बुद्ध ने 5 तरह के ब्राह्मणों की चर्चा की है। पहला, ब्रह्म सम ब्राह्मण, ऐसा व्यक्ति जो 48 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहकर शिक्षा दे और अपना जीवन यापन अध्यवास से ही करे। जीवन यापन के लिए किसी और साधन का प्रयोग न करके दूसरों के ध्यान से स्वयं का जीवन चलाए। जीवन के अगले चरण में किसी बौद्ध भिक्षु की तरह सन्यासी हो जाए। ऐसे समय में वह स्वयं को 4 दैवी कृतियों, दयालुता, सहृदयता, सहज आनंद और समता का अनुपालन करें। इन दैवी भावों का वर्णन पातंजलि के योग सूत्र में भी मिलता है। दूसरा है देवतुल्य ब्राह्मण, वह व्यक्ति जो 48 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहते हुए अध्यापन में समय व्यतीत करे और दूसरों की दया पर आश्रित रहे। स्वस्थ और शुद्ध पुत्र प्राप्ति के लिए वैसा ही जीवन व्यतीत करे, रही ब्राह्मणी से विवाह करे और पुत्र प्राप्ति के बाद वह भिक्षु की तरह जीवन बिताते हुए 4 दैवी वृत्तियों की अनुपालना करें, द्वितीय श्रेणी का ब्राह्मण कहलाएगा। तीसरा है मर्यादा ब्राह्मण, तीसरे तरह का ब्राह्मण वह व्यक्ति है जो 48 वर्ष तक अध्यापन द्वारा अपना जीवन यापन करे। जीवन के अगले चरण में किसी ब्राह्मणी को जीवन साथी बनाकर शुद्ध एवं स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति करे और शेष जीवन बिना किसी विशेष ध्यान आदि के परिवार में ही व्यतीत करे। भगवान बुद्ध ने चौथा ब्राह्मण को मर्यादित और संभिन्न ब्राह्मण बताया। इस तरह के ब्राह्मण में अन्य तीनों श्रेणियों के ब्राह्मणों की तरह 48 वर्ष तक अध्यापन करते हुए जीवन यापन करे और जीवन के अगले चरण में किसी भी जाति का जीवन साथी तलाश कर विशेष जीवन बिताए। उसके लिए किसी भी तरह का ध्यान आदि क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है। और पांचवें क्रम में चांडाल ब्राह्मण, इस श्रेणी के ब्राह्मण के लिए ब्रह्मचारी रहते हुए लोगों की दया के अतिरिक्त किसी भी व्यवसाय से जीवन यापन करना आवश्यक है। इसके बाद वह किसी भी निम्न श्रेणी के साथ जीवन व्यतीत कर सकता है। अपने इस कर्म के लिए उसके पास यह पर्याप्त तर्क ब्राह्मण होने का है जिसके इस व्यवहार से उसकी पवित्रता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। भगवान बुद्ध के इन विचारों से तो साफ है कि जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण बौद्ध धर्म के बाद आए, यह बात सरासर गलत है, क्योंकि खुद भगवान बुद्ध जब ब्राह्मणों की बात करते हैं तो यानी उनसे पहले ब्राह्मण अस्तित्व में थे। और वे जिन दो पहली श्रेणी के ब्राह्मणों की बात करते हैं, वास्तव में ब्राह्मणों के लिए धर्म ग्रंथों में इसी तरह का जीवन यापन करने की बात कही गई है। यानी जो प्रथम तरह के जो ब्राह्मण उन्होंने कहा है भगवान बुद्ध ने, वे दान के सहारे जीवन यापन करते थे और गृहस्थ आश्रम से दूर रहते थे और शेष जीवन साधना में व्यतीत करते थे। बाकी 3 तरह के जो ब्राह्मण बताए गए हैं, उस तरह के ब्राह्मण समाज में कभी भी आदर नहीं पाते थे। यानी कर्म ही उनके ब्राह्मणत्व का आधार थे और यह भगवान बुद्ध भी मानते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। यदि आपके पास भी इस तरह के कोई विचार हैं तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोशिश करूंगा कि उसको विस्तार देकर वीडियो बनाऊंगा। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,